आप तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, आपको टिकट नहीं मिला, आपने समर्थन कर दिया सुनील यादव को, किस तरीके से देख रहे हैं? भाजपा से हमने कमल निशान मांगा था, लेकिन जब दरकिनार किया कमल निशान। क्या कारण है कि सुनील यादव को ही समर्थन करना है? वैसा क्षेत्र में जो है मैंने प्रत्याशी नहीं था। जानबूझकर सुनील यादव का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो भी उसी जाति से आते हैं। जातिवाद की राजनीति की बात कर रहे हैं तो 10 साल हमने भाजपा का समर्थन किया है, भाजपा के लिए काम किए हैं, तो उस समय जातिवाद नहीं थी क्या? राजमहल के जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है, स्वास्थ्य के जो चरम अवस्था है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है। सुनील यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में है ही नहीं, हमारा टक्कर जेएमएम से। अब हम बताए भी हैं उस दिन कि ये खमियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। राजमहल विधानसभा में अभी उन्होंने नामांकन किया है, वो वोट मांगने जा रहे हैं, इससे पहले सुनील यादव को शायद कोई नहीं जानता था राजमहल क्षेत्र में। देखिए चुनाव में आया है, लोगों का राय मशवरा लिया है, तो उनका लोग है तभी तो। जन्म हुआ तो बीजेपी से काम की, लेकिन बीजेपी हिंदू मियां के लड़ाने का ही चक्कर लगाया। नमस्कार, हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आज सुनील यादव जो निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी हैं, जिनका छाप बाल्टी छाप है, उनका समर्थन हिंदू धर्म रक्षा मंच ने कर दिया है। हमारे साथ संत घोष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू धर्म रक्षा मंच के, इनका इंटरव्यू हमने पहले भी किया है। ये टिकट की मांग कर रहे थे, हालांकि अनंत ओझा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है। इन्होंने सुनील यादव को जो है वो समर्थन कर दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, आपको टिकट नहीं मिला, आपने समर्थन कर दिया सुनील यादव को, किस तरीके से देख रहे हैं? जी लोकतंत्र आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। देखिए हम चुनाव के जो तैयारी चल रही थी, जिस नीति से हम लोग कर रहे थे हिंदू धर्म रक्षा मंच के द्वारा, भाजपा से हमने कमल निशान मांगा था, लेकिन जब दरकिनार किया कमल निशान तो अपना जो राजमहल क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ है, उस विकास को पैमाना को देखते हुए हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सुनील यादव को समर्थन करना है, उनको खड़ा करना है। क्या कारण है कि सुनील यादव को ही समर्थन करना है? वैसा क्षेत्र में जो है मैंने प्रत्याशी नहीं था, और सुनील यादव को जो प्रत्याशी बनाया जनता ने उनको बनाया था, जनता उसको बनाया कि आप आइए, हम लोग से भी राय मशवरा लिया पहले, तब हमने सभी कार्यकर्ताओं से बैठ के समर्थन के देने का प्रयास किए, तब सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग समर्थन कार्यकर्ताओं में। लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष संत घोष हिंदू धर्म रक्षा मंच के हैं, उन्होंने जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो जानबूझकर सुनील यादव का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो भी उसी जाति से आते हैं। जातिवाद की राजनीति की बात कर रहे हैं तो 10 साल हमने भाजपा का समर्थन किया है, भाजपा के लिए काम किए हैं, तो उस समय जातिवाद नहीं थी क्या? उस समय भी यादव में खड़ा हुए थे तो हम वहाँ जा सकते थे। जातिवाद की राजनीति नहीं होती, ये विकास की राजनीति है, और राजमहल क्षेत्र की जो विकास करना है उस पर हम जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं आप लोग? देखिए जब सुनील जी नामांकन किए थे, नामांकन से पहले हमने प्रस्ताव को रखा है कि राजमहल के जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है, स्वास्थ्य के जो चरम अवस्था है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, यहाँ के लोग बेरोजगार है, तो ऐसी भी विषय को लेके आप यदि करते हैं, पहल करते हैं, तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो खुला दिल से कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि इन समस्याओं को लेके हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तब सभी कार्यकर्ताओं ने उनको समर्थन किया है। आप तो भाजपा के एक तरीके से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, सुनील यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में है ही नहीं, हमारा टक्कर जेएमएम से। अब हम बताए भी हैं उस दिन कि ये खमियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और सुनील यादव हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से क्षेत्र में लगा है और ये जीत रहा है सुनील यादव। अभी वो सपने में देख रहा है कि हम जो है जीतने वाले हैं। लोग कह रहे हैं बाहुबली हैं। बाहुबली किस चीज़ का? वो उसका काम है, जो कार्यकर्ता इतना समर्थक उनके साथ जुड़ रहा है, कोई बाहुबली नहीं है। आज जिला परिषद का उपाध्यक्ष उनका बनाया और 2 टर्म रहा है, तो उनका जो है समर्थक, उनका काम देख के लोग जुड़ रहा है। तो क्षेत्र में तो राजमहल विधानसभा में अभी उन्होंने नामांकन किया है, वो वोट मांगने जा रहे हैं, इससे पहले सुनील यादव को शायद कोई नहीं जानता था राजमहल क्षेत्र में। देखिए चुनाव में आया है, लोगों का राय मशवरा लिया है, तो उनका लोग है तभी तो वो विधानसभा में आए हैं।
उनको जान रहे हैं, तभी तो राजमहल विधानसभा के मुख्यालय में राजमहल प्रखंड में इतना समर्थक का भीड़ जो देख रहे हैं, ये राजमहल का है, साहेबगंज का नहीं है। तो उनका समर्थक पूरे क्षेत्र में है और लोग उन जनता उनको बुला रहा है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, जीत रहा है। कौन जीत रहे हैं? सुनील यादव। क्या कारण है जीत रहे हैं? इसलिए कि जहाँ भी जाते हैं वो झक नाम से गाली देता है। ठीक है, जहाँ भी जाइए, आप भी जाइए, आपका तो अधिकार है। ठीक है, पहले पत्रकार बंधु को नमस्कार। हम आरजेडी का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विश्वरी सदस्य भी रह चुके राजमहल प्रखंड के। तो अभी आरजेडी में नहीं है? अभी मना, फिलहाल इनका साथ है। आरजेडी से त्याग पत्र दे दिया आपने? हाँ, दे दिए। अच्छा, ठीक है। तो क्या कारण है जो जीत रहे हैं, कुछ कारण बताइए। देख रहे हैं, जनसंपर्क में आ रहा है, आदमी अपने आप जुड़ रहा है, बिना बुलाए आ रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। क्या कारण है जीत रहे हैं? भैया का कारण, कौन सा कारण गिनाइए, समझ में नहीं आता है। गिनाइए हमें। पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना जन समर्थन जो है एक बाय एक अपने आप आकर जुड़ जाएगा। और भैया जी को और किनके बारे में क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी का जन समर्थन देख के और जो निचली स्तर पे जो फील्ड वर्क देख के पता चल रहा है कि भैया जी हमारे जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका आपका क्या नाम है? गणेश यादव। क्या लग रहा है, आप किस पार्टी से हैं, किसी पार्टी से हैं या फिर? पार्टी लेवल देखिए, हम लोग का जन्म हुआ तो बीजेपी से काम की। लेकिन बीजेपी हिंदू मियां के लड़ाने का ही चक्कर लगाया और राजमहल विधानसभा से जीतने के बाद देखते हैं राजमहल विधानसभा में कोई तरक्की नहीं है। आज मान के चलिए हमारा स्टडी रूम ऑफिस राजमहल से गायब है। आज राजमहल में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देखिए राजमहल में कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर नहीं, किस लिए नहीं? हम विधायक बनाए हैं बीजेपी के, हम बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं और इतना वोट ले रहा, लेकिन विकास का और में तो हम 0% देख रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि क्षेत्र का विकास किया है, साहेबगंज में रिश्ता है, जाना आना है, साहेबगंज में विकास किया, तो हम सोचते हैं कि अगर ये उठ गया विधायक में तो इसका देने से हमारा राजमहल सुधार होगा। ये भी तो साहेबगंज के हैं, फिर आप बोलिएगा कि वो साहेबगंज का है, लेकिन विकास ने ना किया, विकास का मुद्दा हम बोल रहे हैं। गारंटी है इसकी? गारंटी का तो आप गारंटी तो भी दिया था कि बहुत विकास करेंगे, लेकिन 0 कर दिया। अब इसका भी क्या भीतर में आत्मा में परमात्मा है? तो आत्मा का परमात्मा तो किसी का नहीं है, लेकिन समय आने के बाद इस सब चीज में देखते हैं विकास कर रहा है। साहेब ने विकास किया तो हमारा भी क्षेत्र में विकास होगा, इतना सा भरोसा करके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू धर्म रक्षक मंच के लोग थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनील यादव का समर्थन कर रहे हैं। आने वाले 20 तारीख को इस क्षेत्र में वोटिंग होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आना है, जो भी रिजल्ट होगा हमें पता चल जाएगा। जोहार।